तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले सवाल को देखोगे तो अब बेसिकली देखो, वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन है ऑलरेडी। 10 प्लस यहाँ से 2t का स्क्वायर यहाँ से इतना मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी है ये वाली चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब ये कहते हैं एवरेज एक्सलेशन निकालो। तो एवरेज एक्सलेशन क्या होता है? एवरेज एक्सलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1, और ये टाइम आ जाएगा यहाँ से t2 - t1। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले टाइम टाइम t2 - t1 निकालो, दैट इज़ डेल्टा टी। तो t2 5 सेकेंड था और फिर 2 सेकेंड था, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितना है? तो डेल्टा टी आ जाएगा 3 सेकेंड। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो डेल्टा टी यहाँ से 3 सेकेंड ये वाली आ गई। अब मुझे चाहिए डेल्टा बी। तो जब टाइम t1 था और वो 2 सेकेंड था, उस वक्त वेलोसिटी v1 था मान लेता हूँ, तो यहाँ से 10 + 2 और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। अपनी क्या आ जाएगी? पहली वाली वेलोसिटी v1 आ जाएगी। जब टाइम t2 हुआ 5 सेकेंड, उस वक्त जो वेलोसिटी v2 दिखेगी वो 10 + 2 और 5 का स्क्वायर, मतलब 10 + यहाँ से 25 और 50, मतलब यहाँ से आ जाएगा 25 और 50, मतलब कुल मिला के 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v2 - v1, मतलब यहाँ से 60 और -18, और 60 में इसमें से 18 और 60 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 42। तो 42 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तुम यहाँ से तो 42 मीटर पर सेकेंड आ जाए, तो एवरेज एक्सलेशन तुम देखोगे यहाँ से तो 42 / 3, मतलब ये आ जाएगा यहाँ से 1 और ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ऑन एन एवरेज, मतलब डी ऑप्शन सही है। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।